हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMKC चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सर से आज के दिन का आखिरी वीडियो एंड इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर याद दिलाना चाहूँगा, आज के दिन भी बहुत सारे वीडियोस आप लोगों ने ज़रूर देखे होंगे स्टडी करने के लिए। अगर आपको चाहिए तो सारे वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को एक साथ यहाँ पे मिल जाएंगे। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड जैसे कि आप सभी लोग पता है फ्राइडे के दिन बाजार क्लोज हो जाता है, उसके बाद सैटरडे संडे दो दिन के गैप के वजह से कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स रहते हैं वो हम लोग उनका जो लिंक रहता है ब्रेक हो जाता है, तो वही लिंक में वापस आप लोगों को यहाँ पे जोड़ कर देना चाहूँगा। सो कौन से इंपॉर्टेंट स्टॉक है जो कि फ्राइडे के दिन भी हम लोग को देखने को मिलते थे, सो मंडे के दिन भी इन स्टॉक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस यहाँ पे रखने वाली है बाजार। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो तत्व चिंतन फार्मा केम, आप सभी लोगों को बताएं कि अभी अभी हम लोग को इसका IPO यहाँ पे देखने को मिला था। सो इस कंपनी के नंबर्स यहाँ पे फर्स्ट टाइम यहाँ पे बाजार के सामने आ चुके हैं। नंबर कैसे रहे अगेन कहना चाहूँगा, ईयर ऑन ईयर बेसिस जंप है, क्वार्टरली भी जंप है, बट वो जंप सिर्फ नाम के लिए, मतलब क्वार्टरली हम लोग कह सकते हैं इनके नंबर फ्लैट थे। सो बाजार को इनके नंबर कैसे लगे इसका रिएक्शन कल हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि बाजार को भी इनके नंबर्स अच्छे लगे या नहीं लगे। सो तत्व चिंतन फार्मा के कल ये कंपनी आप लोगों के रडार के ऊपर यहाँ पे ज़रूर होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें सो दोस्तों IRFC, यस इस कंपनी ने भी यहाँ पे नंबर दिखाए हैं। नंबर्स अगर हम लोग बात करें तो डेफिनेटली हम लोग को अच्छे ही नंबर्स यहाँ पे देखने को मिल चुके हैं। सो कल बाजार को इनके भी नंबर्स के प्रति किस तरीके का रिएक्शन देखने को मिलता है ये देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। मैं अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, जितना छोटा स्टॉक होता है उतना वो कंपैरेटिवली स्लो चलता है, हालांकि ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, बट यूजुअली अगर आप लोग देखोगे एवरेज रूल अगर चाहो तो ऐसा बोल सकते हो, मतलब 100 स्टॉक देखोगे ऐसे छोटे प्राइस वाले, सो उसमें से लगभग 50-60 स्टॉक ऐसे रहेंगे जो कि कंपैरेटिवली स्लो चलते ही है। अगर हम लोग बात करें लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि 10 रुपये के भी उड़कर 100 रुपये के वो भी क्रॉस कर दिए एंड बाद में नीचे गिर के 1 रुपये का भी हो गया। सो वैसे स्टॉक हमें नहीं चाहिए, हमें कंसिस्टेंसी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली वाले स्टॉक चाहिए जिसमें हम लोग बने रह सके। सो IRFC उसी टाइप का स्टॉक है। तो कल यहाँ पे देखना है कि इस कंपनी के जो नंबर्स है वो बाजार को अच्छे लगे या नहीं लगे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें लक्ष्मी ऑर्गेनिक की या फिर लक्ष्मी केम, आप ऐसे भी यहाँ पे बोल सकते हो जो कि इसका NSE का शॉर्ट फॉर्म है, 339 पे फिलहाल देखने को मिल रहा है। इसके नंबर कमाल के थे एंड उससे लेकर अभी तक लगातार हमें अच्छी ही तेज़ी देखने को फिलहाल यहाँ पे मिल रही है। सो क्या कल ये भी तेज़ी बरकरार रहेगी यही देखना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे रहने वाला है। बाजार्स में अप्स एंड डाउन्स यहाँ पे चलते रहते हैं। सो कल इस कंपनी के ऊपर भी आप लोग चाहो तो यहाँ पे स्टडी करने के लिए फोकस रख सकते हैं। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे तो अभी तक कंपनी ऊपर ही जाते हुए देखने को मिल रही है, बहुत ही छोटी कंपनी है, तो ज़रूर आप चाहो तो इसके ऊपर भी यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। देन हमारा फोकस रहना चाहिए तेजस नेटवर्क की ओर, लगातार यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रही है सर्किट के ऊपर। सर्किट हालांकि बीच में थोड़ा ये सर्किट ओपन भी हुए थे एंड इसके पीछे का रीज़न भी आप लोगों को यहाँ पे पता है कि टाटा ने इस कंपनी को यहाँ पे खरीद लिया है, प्लस विजय केडिया सर के भी पोर्टफोलियो में ये कंपनी है। सो ज़रूर तेजस नेटवर्क की ओर भी हम लोगों का फोकस यहाँ पे रहना चाहिए जो कि लगातार 5 दिन में भी 21% से ज़्यादा रिटर्न्स दे चुका है। सारे स्टॉक स्टडी करने के लिए कोई मेरे रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ कि इंट्राडे जाके कर लो, हम लोग इंट्राडे पे तो बात यहाँ पे करते ही नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें ट्राइडेंट लिमिटेड, ट्राइडेंट लिमिटेड के नंबर आ जाने के बाद हम कह सकते हैं यहाँ पे बहुत ही बड़ा ऑर्डर यहाँ पे लगाया गया होगा, बहुत सारे लोगों ने आफ्टर मार्केट ऑर्डर भी लगाया होगा क्योंकि कंपनी के नंबर अच्छे थे, जितना माल था उतना सब कुछ बिक गया, इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा 99% से भी ज़्यादा डिलीवरीज। हालांकि ऐसे डिलीवरीज़ का PT के लिए कोई भी इस्तेमाल नहीं होता है, अपर लोअर सर्किट में कभी भी अगर आप लोग देखते हो तो वहाँ पे डिलीवरी कंसिडर नहीं करने का होता है क्योंकि अगर हम लोग कहें तो वहाँ पे गलत इंटरप्रिटेशन वहाँ पे हो जाएगा। सो ट्राइडेंट की बात करें तो कल भी देखना है यहाँ पे कि बाजार क्या इनके नंबर्स के प्रति और भी यहाँ पे बुलिश है, क्या और भी यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बाइंग ऑर्डर लगा कर रखा हुआ है। सो ट्राइडेंट भी हमारे यहाँ पे रडार के ऊपर ज़रूर होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें डिलीवरी बेसिस के ऊपर, सो करूर वैश्य बैंक आप सभी लोगों को पता है RJ के पोर्टफोलियो में भी ये स्टॉक है एंड इसमें भी हम लोग को 91% से ज़्यादा की डिलीवरीज देखने को मिली। हालांकि मैंने साफ साफ आप लोगों को बता दिया कि ये PT करने के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं, क्योंकि गोल्डन रूल रहता है कि नंबर वन क्या है कि यहाँ पे स्टॉक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए एंड सेकंड हमें टाइम देना आना चाहिए। टाइमिंग की बात छोड़ो, ये स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है तो PT के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देखोगे तो ज़्यादा कोई
अच्छी बात अभी तक तो देखने को यहाँ पे नहीं मिली है। सो यहाँ पे बड़ा माल उठाया गया, ये तो हकीकत है। सो अभी देख लेते हैं कि इसमें कोई न्यूज़ आती है कि नहीं। मैं सिर्फ इसको स्टडी पर्पज़ के लिए यहाँ पे वॉच लिस्ट में ऐड रखने वाला हूँ। वैसे तो देखा जाए तो यहाँ पे कोई भी हम लोग पोजिशन की बात यहाँ पे करने वाले नहीं है और ना ही ये मेरे पोर्टफोलियो में भी है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें IRCTC में हम लोगों ने देख लिया जो चीज़ का इंतज़ार हम लोग कर रहे थे वो हमारे फेवर में आ गई। हालांकि हम उससे रिलेटेड हमारा कोई मतलब कंट्रोल तो नहीं रहता है, बट चलिए अच्छी न्यूज़ आ गई। एक के बदले 5 शेयर मिलेंगे फ्यूचर में। अभी आप लोगों को पता है अलग अलग डेट सामने आ जाएंगे, रिकॉर्ड डेट से ज़्यादा एक्स डेट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि उस दिन पे अगर हम लोग बात करें IRCTC का शेयर 1/5 हो जाएगा। लगभग 500-600 के आसपास हम लोग एक्सपेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। सो IRCTC के और भी यहाँ पे फोकस रखना है। बहुत सारे लोग पूछ रहे सर क्या इसमें तेज़ी आएगी। देखिए जो तेज़ी थी ना, दो न्यूज़ थी तभी वो तेज़ी आ गई। मतलब मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, अगर आप चार्ट पैटर्न भी यहाँ पे देखोगे तो लगातार ऊपर 60% की तेज़ी है। सो इसमें पहली तेज़ी कब आ गई, जब IRCTC ने बोला कि हम लोग स्प्लिट कंसिडर कर रहे हैं, राइट। सो तब हम लोग को 12 तारीख को हम लोग स्प्लिट कंसिडर करेंगे, जब इसका इन्फॉर्मेशन सामने आ गया एंड वो भी बाजार क्लोज था तभी आ गया। मंडे के दिन ये स्टॉक 6% भागा था, तभी मैंने AMO लगाकर इसको खरीदा था। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, जैसी यहाँ पे 12 तारीख को न्यूज़ सच हो गई, फेवर में डिसीजन आ गया, तभी तेज़ी आ गई। अभी अगर हम लोग बात करें इसमें वापस फ्रेश तेज़ी की, तो चांसेस बहुत कम है। ऐसी कोई बात देखिए गारंटी वाली बात नहीं रहती, बट चांसेस की अगर हम लोग बात करें, जो रीज़न था वैलिड रीज़न, वो हम लोगों ने 2 बार यहाँ पे देख लिया है। सो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं अभी जो निवेश करने वाले लोग रहेंगे ऑब्वियसली इंतज़ार करेंगे कि यहाँ पे कब ये स्प्लिट होके सस्ते दाम पे आ जाए, 3 डिजिट में आ जाए, तब वहाँ पे बड़ी बाइंग वहाँ पे हो सकती है। सो IRCTC भी आप लोग ज़रूर यहाँ पे फोकस में रख सकते हो। नेक्स्ट जोमैटो, बहुत ही ख़राब नंबर्स थे, 350 करोड़ का लॉस था। रीज़न कुछ भी हो, एक्सपांशन हो, ये हो, वो हो, बट कंपनी आज भी लॉस में। बहुत पुराने समय से ये कंपनी अभी भी अपने प्रॉफिट का प्रतीक्षा यहाँ पे कर रहा है एंड उसके बावजूद लगातार कंपनी को अभी भी घाटा ही देखने को मिल रहा है। बिजनेस करेंगे तो लॉस तो होगा ही, हम लोग ज़रूर कह सकते हैं, बट इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करें, शेयर होल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एज ए इन्वेस्टर की बात करें, सो जब ये कंपनी प्रॉफिट में आएगी तब हम लोग इसके बारे में सोचेंगे। मैं ऑलरेडी अपना स्टैंड क्लियर कर चुका हूँ, चाहे मुझे ये स्टॉक 1000 पे भी मिल जाए तो भी चलेगा, बट प्रॉफिट चाहिए या फिर लॉस एटलीस्ट कम कम होते हुए देखने को मिलना चाहिए, तो हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं चलो ये BEP के पास यहाँ पे फिलहाल पहुँच रहे हैं। सो जोमैटो भी अगर हम लोग देखें, नंबरिंग के बाद लगातार तेज़ी देखने को यहाँ पे मिला है, तो इसके ऊपर भी आप लोग फोकस यहाँ पे रख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, टाटा के शेयर्स तो पॉपुलर रहते हैं, तो टाटा मोटर उसी के साथ साथ टाटा पावर, कोई ना कोई न्यूज़ यहाँ पे आती ही रहती है। अगर आप लोग देखोगे वीकली बेसिस के ऊपर इन स्टॉक्स में कोई ना कोई कवरेज होता ही रहता है। सो इन दोनों स्टॉक्स के ऊपर आप लोगों ने यहाँ पे फोकस बनाए रखना है, बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे सामने आती रहेगी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें बजाज हेल्थ केयर में भी हम लोगों ने देख लिया, यहाँ पे भी अगर देखा जाए बोला जाए तो एक के बदले एक शेयर यहाँ पे मिल जाएगा। सो ये भी स्टॉक आप लोग रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। हालांकि देखा जाए तो एक माइक्रो कैप कंपनी है, तो यहाँ पे उस टाइप की रिस्क हम लोग को कंपैरेटिवली कम देखने को मिलेगी एंड प्लस अगर देखा जाए तो सिर्फ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर है एंड प्लस अगर देखा जाए तो इसके वॉल्यूम्स भी कंपैरेटिवली लो है, राइट। सो इसके चलते अगर आप चाहो तो बजाज हेल्थ केयर के ऊपर भी फोकस रखना। नंबरिंग के बाद रिजल्ट आए थे तो उसके बाद हम लोग को इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी एंड जैसे ही यहाँ पे स्प्लिट का भी खबर यहाँ पे सामने आ गया, ज़्यादा एक्साइटमेंट हम लोगों को देखने को यहाँ पे नहीं मिली। अगर यहाँ पे और भी बड़ा स्प्लिट होता, जैसे कि IRCTC में देखने को मिला एक के बदले 5 शेयर्स, हालांकि इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सेम रहता है, बट अगर ऐसा बड़ा स्प्लिट अगर हम लोग को देखने को मिलता तो डेफिनेटली एक माइक्रो कैप कंपनी यहाँ पे तेज़ी के चांसेस और भी गहरे बन सकते थे, पर फिलहाल 1:1 का ही हम लोग को यहाँ पे रेशो देखने को मिल रहा है। सो इन स्टॉक्स के ऊपर भी फोकस रखना है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों ये 3 स्टॉक्स है, इनके ऊपर फोकस रखना है। 15 अगस्त के दिन इस कंपनी के नंबर आने वाले थे बट अभी तक कोई भी अपडेट सामने नहीं आया है। सो नेक्स्ट ये 2 कंपनीज है, इनके ऊपर भी स्टडी करने के लिए फोकस रखना। 16 अगस्त इन कंपनीज़ के Q1 के नंबर सामने यहाँ पे आने वाले हैं। सो दोस्तों ये कुछ 8 से 9 से 10 स्टॉक जो कि मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखे हुए, इनके ऊपर आप लोग स्टडी कर सकते हो। कल इन स्टॉक्स के ऊपर फोकस रखना कि कैसे इनकी चाल यहाँ पे चलने वाली है, राइट। सो ये मेजर कुछ स्टॉक्स है जिससे रिलेटेड कल अगर आप लोग चाहो तो वॉच लिस्ट बनाकर इनके ऊपर फोकस यहाँ पे रख सकते हो। सो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करना है। और भी बहुत सारे स्टॉक्स है जैसे कि वोडाफोन आइडिया है, उसी के साथ साथ बाकी बैंक्स भी है जो वोडाफोन आइडियाज के साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं, उनके भी नंबर्स, वैसे तो नंबर अभी कुछ मायने रखते ही नहीं है जबकि कंपनी इतना ऑलमोस्ट खत्म हो ही चुकी है, तो नंबर्स क्या रहेंगे, राइट। सो फिर भी अगर आप चाहो तो ऐसे स्टॉक्स के ऊपर भी फोकस यहाँ पे रख सकते हो। सो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।